नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी विनोद कांबली को रविवार शाम मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। विनोद कांबली पर ड्रंक एंड ड्राइव का इल्ज़ाम लगा। विनोद कांबली नशे में ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ी। हुआ यूं कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी विनोद कांबली ने नशे की हालत में मुंबई के बांद्रा में अपनी सोसाइटी गेट पर अपनी कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उनके खिलाफ बांद्रा के पुलिस थाने में कई मामले भी दर्ज हुए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कांबली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 336 और 427 के तहत बांद्रा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। धारा 279 में लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज होता है, 336 में अन्य लोगों की जिंदगी और सुरक्षा को खतरे में डालने का, और 427 में ऐसी हरकत करने पर मामला दर्ज होता है जिससे औरों को नुकसान हो। इन तीनों धारा के तहत कांबली पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कांबली ने नशे की हालत में अपने सोसाइटी के चौकीदार और स्थायी निवासियों के साथ बहसबाजी और बदसलूकी की, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। विनोद कांबली को लेकर अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर ने सुर्खियां बटोरी थी, जब पूर्व खिलाड़ी साइबर क्राइम का भी शिकार हुए थे, जिसमें KYC अपडेट के नाम पर एक ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और विनोद कांबली को करीब 125,000 रुपये का चूना लगा दिया। ऐसा नहीं है कि विनोद कांबली क्रिकेट से दूर होने के बाद इस तरह की हरकत कर रहे हों। उनका क्रिकेटिंग करियर भी उनकी लापरवाही और उनके खराब बर्ताव की वजह से ही बर्बाद हुआ, जिसमें पूरी तरह से कांबली का ही कसूर है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।